सो बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डाउनलोड XML फाइल, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि XML फाइल को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन पे जो भी लिंक मिलेगा बिटमार्क का, शेक एफर्ट का, आपको सिंपल से लिंक पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपको यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। जो भी वीडियो का थंबनेल होगा आपको यहाँ पे पहले यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से ऐड आएगा, आपको सिंपल से यहाँ पे कैंसिल कर देना है। ये जो ऐड है इसको आपको ऐसे क्रॉस कर देना है, ठीक है। और जो थंबनेल है, आपको जो भी वीडियो का थंबनेल होगा कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से सिंपल से नीचे आना है, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंपल से नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बिट मार्क, अगर शेक इफेक्ट होगा तो शेक इफेक्ट दिखाई देगा। बिट मार्क पर क्लिक करना है कुछ फिर से इस तरीके से, आपको यहाँ पे जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये जो क्रॉस है ऐड का आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे नीचे जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे नीचे जाना है, यहाँ पे आपको फिर से दिखाई देगा बिट मार्क नहीं तो शेक इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्लिक कर देने का आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, क्रोम ड्राइव, ठीक है। जिससे भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे कर लेना है। मैं यहाँ पे क्रोम पे क्लिक कर दे, ठीक है। इस तरह से आपको सीधा डायरेक्ट गूगल ड्राइव पे लेके चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वीडियो देख लो, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आपको एचडी स्टेटस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ये वाला एडमिशन ऐप चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, पिन किया हुआ आपको ये वाला एडमिशन ऐप मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पर चेक करना बिट मार्क और स्टेटस, आपको स्टेटस बोल रहा हूँ शेक इफेक्ट का और स्टेटस का सबका लिंक मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों XML को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको दोनों XML को एलएडमिशन में इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको एलएडमिशन को ओपन करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है, जो बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो ये विंग हट दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई नहीं देगा XML पे। जब मैं XML इंपोर्ट करूँगा तब ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऑलरेडी लिख के रखा है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सॉन्ग को कैसे ऐड करना है, या मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। आपको यहाँ पे सॉन्ग ऐड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगा, ये स्टेटस वीडियो आपको मिल जाएगा कंप्लीट। तो आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर लेना है। ये वाला स्टेटस वीडियो आपको यहाँ पे ऐड करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो दिखाई दे रहा है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक कर देना है, जो साउंड है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद वीडियो को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। कर देने के बाद आपको एरो पे क्लिक करना है, फर्स्ट बिटमार्क पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको यहाँ पे इमेजेस ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, नेक्स्ट बिटमार्क पे आपको यहाँ पे क्लिक करके बाकी पार्ट रिमूव कर देना है, फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, फिर से आपको यहाँ पे इमेज ऐड करना है। ये सभी इमेज अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे आपको ये सब इजीली मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। इस तरीके से आपको क्या करना है, इमेजेस को ऐड कर लेना है, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आपको बिटमार्क के हिसाब से इमेजेस को ऐड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इमेजेस को ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको ये जो फर्स्ट ये दिखाई दे रहा है जो हार्ट हुई है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइल नहीं दिखाई देगा, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड दिखाएगा। तो आपको सिंपल से क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल पर ये वाला इमेज मिल जाएगा, आपको कलर एंड फिल में जाके स्टार ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ये वाला इमेज यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। आपको गलती नहीं करना, ये वाला ऐड जरूर करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सभी इमेजेस को ऐड कर लेना है। सभी इमेजेस को ऐड कर लेने के बाद आपको ऐसे बैक आना है, शेक इफेक्ट पे जाना है। शेक इफेक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा इफेक्ट वन, इफेक्ट टू, और आपको टेक्स्ट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको टेक्स्ट पे जाना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, यहाँ से आपको बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, और आपको फर्स्ट दो लिरिक्स में आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और बाकी जो लिरिक्स है आपको कुछ इफेक्ट एड्स करने का जरूरत नहीं है, इस तरीके से आपको यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद आपको शेक इफेक्ट पे जाना है, यहाँ पे आपको इफेक्ट वन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, आपको ऐसे बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, एरो पे क्लिक करके फर्स्ट बिटमार्क पे आना है, फर्स्ट इमेज पे आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट करना है। उसके बाद आपको सिंपल से ऐसे बैक आना है, फिर से शेक इफेक्ट पे जाना है, यहाँ पे आपको इफेक्ट टू दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, यहाँ से आपको बैक आना है। साथ में आपको क्या करना है, जो रेक्टेंगल है इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर कर लेना है।
उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, एरो पे क्लिक करना है, ठीक है। सेकंड बिटमार्क आ गया, सेकंड बिटमार्क के जितना भी इमेजेस है लास्ट तक सभी इमेजेस पे आपको सेकंड इफेक्ट पेस्ट करना है, जो इफेक्ट आपने कॉपी किया था पूरा लास्ट तक पेस्ट कर देना है फर्स्ट इमेज छोड़ के। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, प्लस पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देना है जो आपने वहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। पूरा एंडिंग पॉइंट तक इसको लेके आ जाना है। तो देखते हैं हमारा जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो चुका है, इस तरह से आप देखते हैं। और सभी इमेजेस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, और आने वाले ट्यूटोरियल भी आपको अच्छा ही लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।